राजधानी भोपाल की, जहां पर विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। उपचुनाव में निर्वाचित 3 सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। सत्र में अनुपूरक बजट समेत 5 विधेयक पेश किए जाएंगे। पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम विधेयक भी पेश होगा। मध्य प्रदेश कास्ट चिरान संशोधन विधेयक भी पेश होगा। इसके अलावा भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन भी इस सत्र में पेश होगा। तो विधानसभा की कार्रवाई बस कुछ देर में शुरू होगी। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण समेत तमाम ऐसे विधेयक जो हैं उन्हें पेश यहां पर किया जाएगा। और विपक्ष भी लगातार तैयारी यहां कर रहा था, और जिन मुद्दों को उठाना है उन मुद्दों को लेकर कल एक बड़ी बैठक कमलनाथ के आवास पर हुई थी। बेरोजगारी, महंगाई के अलावा पंचायत चुनाव में आरक्षण का मसला हो, इन तमाम मुद्दों को विपक्ष यहाँ पर उठाएगा। विधानसभा की कार्रवाई को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है वो भी आपको पहले सुनाते हैं। कमलनाथ जी ने आपको नोटिस दिया है? देखिए, वो नोटिस नहीं, फांसी पे लटकवाद है, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश में 52% आबादी जो ओबीसी की है, उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। 27% आरक्षण दिलाकर रहेंगे और कांग्रेस को स्थगन की जगह माफ़ी पत्र लाना चाहिए। वो किस बात का स्थगन लाएंगे? उन्हीं ने तो स्टे करा है, उन्हीं ने स्टे करा है, सरकार ने थोड़ी करा है। सरकार ने तो आरक्षण दिया है, तो वो माफ़ी पत्र लाएं। सर, ये भी कहा है कमलनाथ ने कि जब तक ओबीसी सीटों की स्थिति नहीं हो क्लियर, तब तक चुनाव न कराएं, एक साथ ही चुनाव हो। ये कह क्यों थे कोर्ट? ये तो जब बात सही नहीं था, चुनाव तो हो ही रहे थे, ओबीसी के आरक्षण के आधार पर हो रहे थे, ओबीसी को सीटें आरक्षित हो गई थी, तो फिर कोर्ट क्यों गए? देखिए, सीधे तौर पर ये भूपेंद्र सिंह का जवाब है। उनका कहना है कि एक तो कांग्रेस कोर्ट क्यों गई, और दूसरा ये कहना है कि उनको स्थगन प्रस्ताव की बजाय माफी पत्र लाना चाहिए। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 20। तो आज शीतकालीन सत्र में कई विधेयक जो हैं वो पेश किए जाएंगे। बता दें कि सत्र में अनुपूरक बजट के अलावा 5 विधेयक पेश होंगे। उन 5 में शामिल है पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज का अधिनियम विधेयक, इसके अलावा मध्य प्रदेश कास्ट चिरान संशोधन विधेयक और भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक समेत तमाम ऐसे विधेयक है जिन्हें पेश किया जाएगा। तो उपचुनाव में निर्वाचित 3 सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी विधानसभा में शामिल होने की, सत्र की। और इन सबके अलावा कई मुद्दों को विपक्ष यहाँ पर उठाने की कोशिश करेगा। बेरोजगारी, महंगाई और पंचायत में आरक्षण का मसला हो। कमलनाथ के आवास पर बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में तय किया गया था, एजेंडे तय किए गए थे कि कैसे हमें विधानसभा सत्र में सरकार को घेरना है। तो ऐसे में आज ग्वालियर व्यापार मेला समेत भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक भी पेश होगा। विधानसभा की कार्रवाई को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री ने भी बात चुकी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन्होंने आरक्षण के मसले पर ओबीसी वर्ग को नुकसान पहुंचाया। इन तमाम आरोपों के बीच में आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, और देखना होगा कि सत्र में क्या कुछ खास आज देखने को मिल सकता है। हालांकि हंगामे के आसार है वो भी बरकरार है, लेकिन अब देखना होगा कि कार्रवाई शुरू होने के बाद में दोनों ही दलों के विधायकों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा क्या कुछ आरोप एक दूसरे पर लगाए जाते हैं। तमाम ऐसे विधेयक है जिन्हें पारित किया जाएगा। इसके अलावा उपचुनाव में निर्वाचित 3 सदस्यों को शपथ भी दिलाई जाएगी, जो कि चुनकर अब आए हैं विधानसभा में, पहली बार शामिल हो रहे हैं। सत्र में अनुपूरक बजट समेत 5 विधेयक भी पेश होंगे। पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम विधेयक भी पेश होगा। मध्य प्रदेश कास्ट चिरान संशोधन विधेयक भी आज पेश किया जाएगा। भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक भी पेश होगा। सबसे पहले जो शहीद हो गए हैं, जिनका निधन हुआ है, उन सदस्यों को और सीडीएस विपिन रावत समेत 14 लोग जिनका निधन हुआ है हादसे में, उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन भी पेश होगा। तो आज विधानसभा में सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। सुरक्षा कर्मियों को लेकर नाराजगी भी जहां पर जताई थी। विधानसभा में व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नाराज नजर आ रही है, चूंकि सत्र आज शुरू हो रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति ने ऐतराज जताया है। और करेंगे सो कि राकेश चतुर्वेदी का, राकेश, चूंकि आज सत्र शुरू हो रहा है, किन मुद्दों को लेकर विपक्ष आवाज बुलंद करेगा, सरकार कितनी तैयार है, क्या कुछ बातचीत आपकी हुई है? देखिए, फिलहाल हम विधानसभा की बात करें तो अभी कार्यमंत्रणा समिति की बैठक चल रही है, कुछ ही देर में विधानसभा शुरू होगी। लेकिन जिस तरह से जो रुख देखने को मिला है विधानसभा शुरू होने से पहले, वो पूरी तरह से जो फोकस है, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, ओबीसी आरक्षण पर सबसे अधिक फोकस है। देखिए, तमाम जो मंत्रियों से हमने चर्चा की, सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस के कमलनाथ के उस बयान का
जो है आज जवाब दिया है, जिसमें कमलनाथ ने बड़े आरोप लगाए थे और आरोप ये लगाया गया था कि सरकार ने कोर्ट में ओबीसी वर्ग का आरक्षण के मुद्दे पर ठीक से बात ही नहीं रखी। इधर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने तमाम मुद्दे तो हैं, लेकिन सबसे अधिक फोकस है वही ओबीसी आरक्षण पर है। और कमलनाथ ने जो कहा है कि स्थगन प्रस्ताव दिया गया है ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर सदन में, इस मामले को लेकर कांग्रेस चर्चा कराना चाहती है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि यदि कमलनाथ चाहते हैं तो चर्चा कराई जाएगी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो यहाँ पर सियासत है काफी गर्म है। देखिए, कार्यमंत्रण समिति की बैठक में जो एनपी प्रजापति जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, कमलनाथ सरकार में वो विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में इस बार कि जो सुरक्षा है वो विधायकों को ही नहीं पहचानते, जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो अधिकारी तैनात किए गए हैं, और खुद विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष को ही नहीं पहचान पाए, और उनको जो प्रोटोकॉल दिया जाना चाहिए था वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कह सकते हैं कि अभी जो है विधानसभा सत्र का अभी शुरुआत होने में कुछ समय बाकी है, कुछ मिनट बाकी है, लेकिन उससे पहले जो नाराजगी है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के सामने आ चुकी है। इसके साथ ही हम बात करें, कांग्रेस और बीजेपी के रुख से साफ जाहिर है कि जो सदन है उसकी कार्रवाई हंगामेदार रहेगी। राकेश, चूंकि कल एक एजेंडा बैठक हुई थी कमलनाथ के आवास पर, मुद्दे तय किए गए थे किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है, महंगाई, बेरोजगारी, ओबीसी आरक्षण का मसला, पंचायत चुनाव का मसला, तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर आज विपक्ष सरकार पर हमलावर रह सकता है। क्या कुछ उम्मीद जताई जाए, सरकार जवाब दे पाएगी? देखिए, जाहिर तौर पर है जो हम विधायक दल की बात करें तो बीजेपी की कल विधायक दल की बैठक हुई थी, कांग्रेस की भी विधायक दल की बैठक हुई थी, और दोनों बैठकों में अपनी अपनी रणनीति तैयार की है। जाहिर तौर पर है कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो है ओबीसी आरक्षण मुद्दा है, और ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, इस पर पूरा फोकस नजर आ रहा है, क्योंकि हमने जैसे ही चर्चा की विधानसभा शुरू होने से पहले उस पर ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जो विधानसभा की कार्रवाई है हंगामेदार रह सकती है। फिलहाल जो है कार्यमंत्रण समिति की बैठक चल रही है, और बैठक के लिहाज से ही फिलहाल हम बात करें तो उसमें कई विषयों पर चर्चा हुई है, और सदन है वो आज का हंगामेदार। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो ऐसे में आज का सत्र जो है वो हंगामेदार होने की आशंका जो है वो जाहिर की जा रही है।